हेलो दोस्तों, इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन होने के बाद में इंस्टाग्राम रील्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, और उसके बाद जो फेमस हुआ है वो एमएक्स टकाटक और स्नैक वीडियो हुआ है। स्नैक वीडियो को भी इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन अभी जितने भी जो हैं सेलिब्रिटी या फिर जो है और जितने भी पर्सन जो है टिकटॉक को यूज़ करते थे, तो वो यहाँ पर अब इंस्टाग्राम रील्स पर आ गए हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम रील्स पर आप अपनी वीडियो को कैसे वायरल करा सकते हैं। फिलहाल दो ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं जिन पर अगर आप वीडियो बना लेते हो तो आपकी जो वो वीडियो है 100% निकल जाएगी, 100% वायरल हो जाएगी, रातों रात जो है आपके फॉलोवर्स और आप जो है यहाँ पर फेमस हो सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम रील्स पर हमारी वीडियो भी वायरल हो जाए तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, बस उसको फॉलो करना है और आपकी जो वीडियो होगी रील्स की वो 100% वायरल हो जाएगी, और आपके जो इंस्टाग्राम के जो फॉलोवर्स हो गए वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इंस्टाग्राम की जो रील्स है वो लोगों को पसंद आएगी, तो आगे की और वीडियो देखने के लिए लोग आपको फॉलो ज़रूर करेंगे। तो गाइज़, आपको करना क्या होगा, आपको कैसे अपनी वीडियो को वायरल कराना होगा, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एस एस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करना है। प्ले स्टोर पर जाकर के अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करना है, उसके बाद में उसको ओपन करना है, और आपको एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी वीडियो बनानी है जो कि आपको दो सॉन्ग के ऊपर बनानी है। किसी पे भी बना सकते हो आप, जो है फर्स्ट वाला सॉन्ग जो मैं बताऊंगा उस पर भी बना सकते हो, सेकंड जो बताऊंगा उस पर भी बना सकते हो, लेकिन इन दोनों सॉन्ग पर आपको वीडियो बना करके अपने इंस्टाग्राम रील्स पर जो है अपलोड करना है। क्योंकि ये जो दोनों सॉन्ग इस टाइम चल रहे हैं ना, ये बहुत तेज़ी के साथ में वायरल चल रहे हैं। जिस बंदे के सामने ये सॉन्ग आता है, ये वीडियो आती है, वो बंदा इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखता है, और जिस वीडियो को पूरा देखा जाता है, जिस पर वॉच टाइम पूरा आता है, वो वीडियो वायरल 100% होती है। उसको वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वॉच टाइम का सारा मसला होता है। अगर हमारी वीडियो मान लीजिए कि 15 सेकंड की है और उसको जो है 15 ही सेकंड देखा जा रहा है, तो इंस्टाग्राम रील्स का जो एल्गोरिथम होता है वो क्या करता है कि भाई इस वीडियो के अंदर कुछ अच्छा कंटेंट है, कुछ अच्छी चीज़ दिखाई जा रही है, तभी इसको लोग जो है पूरा देख रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, दोबारा से देख रहे हैं। तो गाइस, आपको करना क्या है, आपको उन दोनों सॉन्ग पर वीडियो बना करके अपने इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करनी है, और उसके बाद में आपकी वो वीडियो 100% वायरल हो जाएगी। अब वो दोनों सॉन्ग कौन से हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणवी एक सॉन्ग है जिसका नाम है 52 गज का दामन, जो कि आजकल जो है डीजे पर बहुत ज़्यादा जो है चल रहा है, बहुत लड़कियाँ उस पर डांस कर रही हैं, और बहुत लड़कियों ने अपनी वीडियो को वायरल कराया है उस सॉन्ग पर डांस करके या उस सॉन्ग पर शॉर्ट वीडियो बना करके। आपको करना क्या है, उस सॉन्ग पर जो है आपको वीडियो बना करके अपलोड करना है। आप डांस कर सकते हो या फिर जो है कुछ और भी आप वहां पर कर सकते हो। 52 गज के दामन पर आपको वीडियो बना करके अपलोड करनी है। उसके बाद में जो दूसरा सॉन्ग आता है वो आता है तितलियां, जो कि हार्डी संधु का सॉन्ग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। हर गली, हर डीजे, हर मोबाइल के अंदर यही सॉन्ग बज रहा है। जहाँ को भी आप निकलते हो आपको यही सॉन्ग बजता हुआ दिखता है। तो आपको जो इस सॉन्ग के ऊपर वीडियो बनानी है, जो कि तितलियां हार्डी संधु का न्यू सॉन्ग आया है, जिसको अफसाना खान ने गाया है। तो आपको जो है इस सॉन्ग पर वीडियो बना करके अपने इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करनी है। 100% आपकी वीडियो वायरल होगी, लिख के ले लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों ने इस सॉन्ग के ऊपर भी अपनी वीडियो को वायरल कराया है। यूट्यूब पर अगर आप जाकर के देखोगे तो इन दोनों सॉन्ग का जो है डंका बजा हुआ है, इस टाइम पूरा ट्रेंड में है। अगर आप जो है इन दोनों सॉन्ग को पकड़ के वीडियो बनाते हो तो आप जो है इंस्टाग्राम पर फेमस भी हो जाओगे, इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स भी बढ़ जाएंगे, और आपकी जो वो रील्स की वीडियो होगी वो भी वायरल हो जाएगी। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से जो है वीडियो बनानी है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आप अपनी वीडियो बना करके अपलोड करेंगे तो उसका कैप्शन और हैशटैग वगैरह जो डालेंगे, आप क्या डालोगे, मैं डिस्प्ले पर आपको जो दिखा रहा हूँ ना, दोनों सॉन्ग के दिखा रहा हूँ, आपको क्या लिखना है, जो डिस्प्ले पर आपको दिखा रहा हूँ यही डालने हैं। क्योंकि जब तक आप इस तरह से नहीं डालेंगे तब तक आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। तो ये जो डिस्प्ले पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस इन्हीं को डालना है, दोनों सॉन्ग के बारे में दिखा रहा हूँ, इन्हीं को डालना है और अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपके पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।